मैं आराम से अपनी आइसक्रीम खा रही थी, फिर मैंने देखा उनका ये बंदा फैमिलियर लग रहा है। मैंने कहा ओह माय गॉड दिस इज खुशहाल। नो आई कैन ईट आइसक्रीम नाउ, आई कांट एंजॉय इट, आई ईट इट। बट शुडंट यू एंजॉय इट? आई मीन देयर आर सो मेनी थिंग्स टू एंजॉय। आइसक्रीम इज वन ऑफ द वी गोना लीव इट लाइक एट दैट। यस एंड वी बोथ आर फैंस ऑफ कैफेली। ओह माय गॉड यस वी आर, यस वी आर। एक्सपोज कर दिया मैंने, एडिट में कट जाएगा बेटा। हां मैं काट के दिखाएंगे। आते जाते लड़कियां हाकान को हेलो हाय कही जा रही हैं। आर यू ब्लशिंग? लिटिल बिट मेरी गर्लफ्रेंड देख रही होगी, वो माइंड कर जाएगी। ओह माय गुडनेस। शाहरुख खान वंस सेड इफ यू हैव टू टेल समबडी दैट यू लव देम यू एक्चुअली डोंट लव देम। यू आर राइट, ही सेड दैट। या आई बिलीव इन दैट। आई थिंक रियल लव इज नॉट एक्सप्रेस्ड, इट्स स्पेल्ड। अच्छा बोल। हां वी शुड टेक दैट। दिस इज रियली कूल एक्चुअली। दैट इज रियली कूल। व्हाट इज दैट? वाओ मैंने आके झप्पी डाली है गोल जवाब। यस यस यस। कॉर्नेटो मत तोड़ दीजिएगा। विनर, आप इसका इंटरव्यू ले लें। ठीक है, नहीं आप बोलो, मैं नहीं कर रहा। नहीं नहीं ले लो ले लो। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या शिकवा कर रहे थे आदि? मैं ये शिकवा कर रहा था कि ये लड़की डिफेंस से आई, अपना माइक लेकर और हमें एक दे दिया कि दोनों शेयर करो। अब तो मासो इस बात ये भी गलत बात है। ये कैसा कर रही है? अल्लाह ने आपको इतनी इज्जत दी है, आप तीन माइक ले ले। यार शर्मिंदा कर दिया, आप ले लें। आपकी आवाज कैसी आएगी? मैं दो ले लेता। नहीं नहीं, मेरा मैं अपना माइक भी आपको दे दूं, आप बोलती ना। मेरा थोड़ा दिल दुख गया मेरा। करीब से बोलेंगे। हां ये आपने इतनी लेम बात की, मैं उससे भी ज्यादा लेम बात कर सकती हूं। करें ये कॉर्नेटो हम तीनों ने शेयर करनी है। जल्दी से कर ले, पिघल ना जाए। सो दिस इज गोइंग टू बी अ लेम कन्वर्सेशन बिटवीन अमंग द थ्री ऑफ अस। असल में जितना दूर फार्म हाउस है वहां की ऐसी बातें सही रहती है। तो आप क्या कहते थे जैसे मैं आपको लगा कि आप गुजर जाएंगे? हाँ मुझे ऐसा लगा कि ये जरा करीब सा होगा, लेकिन बीच में ना मुझे तीन चार लोग शलवार कमीज में यूं शलवार को यूं करते हुए नजर आए, तो मैं जरा घबरा गया कि पता नहीं हम अफगानिस्तान तो नहीं आ गए। दूर भी इतना था और सुनसान भी हो रहा था रास्ते में ना, तो हमें लग रहा था कि हम बहुत जल्दी आ गए। उम्र की तो रंगत उड़ी हुई है इस वक्त। आपको पता है रास्ते में जब हम आ रहे थे तो मैंने एकदम से साइड पे देखा तो उमर मेरे साथ नहीं बैठा हुआ था, उमर मेरी गोद में बैठा हुआ, डर गया था। लेकिन नहीं मजा आ गया। अच्छा यार बताएं, आइसक्रीम की पहली मेमोरी क्या है आपकी? आइसक्रीम की पहली मेमोरी ये है कि मैं जब भी उदास होता था तो मैं अपने घर वालों को कहता था कि आइसक्रीम खाएं। तो मिलती थी या कभी कभार मिल जाती थी, कभी कभार थोड़ा सा जलीली होते थे कि हर बार मुंह को मीठा लगा हुआ है। तो हमारी होती थी वो एक आती इनके पास तो पैसे ही नहीं थे ना, तो भूखे रहते थे। सुन लो ना, हम जमा करते थे पैसे पहले पूरा एक महीना, फिर उसके बाद एक बड़ी वो वॉल्स की आती थी तो उसका फिर हम वो मंगवा के एक प्रॉपर पार्टी सीन होता था, थोड़ी इसको फिर उसका बिजनेस करते थे। सीरियसली यू जोकिंग? मतलब फिर इस तरह से करके बहन को कहा कि हाँ अगर तुम्हें चाहिए तो फिर मैं तुम्हें एक्स्ट्रा दे दूंगा, पैसे दो या कुछ इस तरह करके। दिस वाज द हमेशा से जो है वो। अभी तक आइसक्रीम के फैंस हैं? कॉर्नेटो खाते हैं? हाँ बिल्कुल। मैं कॉर्नेटो खाता हूँ लेकिन बगैर चॉकलेट वाली, क्योंकि मुझे चॉकलेट से एलर्जी है। लाइक द स्ट्रॉबेरी वन और द वैनिला वन? हाँ मुझे एलर्जी है इसलिए नहीं खाता चॉकलेट से एलर्जी। मुझे इन पे दुख हो रहा है, अफसोस हो रहा है कि ये कांट एंजॉय द चॉकलेट कॉर्नर। असल में मेरे फादर की इनकम कम थी ना, तो कहते थे चॉकलेट वाली महंगी है, सादी वाली खाओ। तो हमने बहाना बना लिया हमें एलर्जी। जैसे हम कहते हैं हमें सूशी से भी एलर्जी है, हॉटस्पॉट से भी एलर्जी है, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं है। बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। देखें 850 तक मेरा बजट है, उसके ऊपर सारी चीजें। अच्छा क्या चल रहा है आप लोगों को? हम कहाँ देख रहे हैं, कब देख रहे हैं, क्यों नहीं देख रहे हैं, क्या हो रहा है ये पहले उमर आपको बताएंगे। आप लोग हमें अभी यहाँ पे देख रहे हैं, अपने सामने देख रहे हैं, हम इस तरह के इवेंट्स कर रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, मतलब हाँ बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं। हमने डेढ़ महीना पूरा हमने इतना काम किया वो जो तमाशा में था, हम अब रिलैक्स करना चाह रहे हैं अगले 2 साल तक तकरीबन। दैट्स अ गुड वन। 2 साल तक फिर इंडस्ट्री भूल जाएगी, फिर हम दुबई चले जाएंगे जॉब करने। Back to the square one. नहीं लेकिन काम कर रहे हैं, PSL चल रहा है, उसका शो कर रहे हैं, तो we're doing a lot of things.
हाँ अब मेरा तीसरा साल है तो नाउ आई एम एंजॉयिंग इट, क्योंकि मुझे क्रिकेट का इतना पता नहीं था। और टीम कौन सी है? मेरी कराची किंग्स। फिर तो आप दुख में होंगे अभी। देखें अपना बच्चा पास हो या अपना बच्चा फेल हो, अपना बच्चा होता है। मेरी भी ये थ्योरी है कराची किंग जीते हारे मेरा कराची किंग सर, इसमें कोई ऐसी बात। I don't share the same sentiment, sorry. यार आप इनका अलग से वीडियो बना लो फिर। और क्या भाई ये मतलब क्या हर साल कराची रोए? पैदा नहीं हर साल कराची नहीं रोए क्यों? बच्चा फेल हो उसको मोटिवेट करेंगे बेटा कोई बात नहीं अगली बार मोटिवेट करें भाई। नहीं नहीं करें आखिरी दम आपकी औलाद है वो। बच्चे को छोड़ थोड़ी देते आप निकाल थोड़ी देते घर से अगर फेल फेल हो जाए तो। नहीं तो बच्चे को सिखाए ना। हाँ तो सिखा रहे ना वही तो। वो सीखेगा कैसे? वो मोटिवेशन से सीखेगा ना। हम उसको बोलते हैं यार ये तुम किसी काम के नहीं हो जाओ दर्जी की दुकान खोल लो। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ आपको गिल्ट हुआ ना थोड़ा सा यार क्या बात कह दी इसने? बिल्कुल गिल्ट हुआ मैंने। आप किसको सपोर्ट कर रही है? जो जीतेगा मैं उसकी सपोर्टर हूँ। चलें थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू सो मच। जाके अपना एंजॉय करें। थैंक यू। 30 रुपए हो गए इसके। आगे मिले माइक ले जाए। अब जब पेमेंट होगी तब माइक मिलेगा। बातें रिकॉर्ड होती रहेंगी ना। वो चेंज निकाल के खड़ी है आप माइक लेंगे तो इस हाथ से आपको पेमेंट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। लुक हु वी हैव हियर टुडे विद अस। हेलो हियर वी आर अगेन मिस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम या। टेल मी व्हाट्स योर फेवरेट और योर फर्स्ट मेमोरी ऑफ आइसक्रीम? Ice cream. I mean, I have always been obsessed with Cornetto, and it's still it's my one of the favorite ice cream. I'm not even kidding. Like, ये तो इत्तेफाक है कि मैं इसके event पे, but it's actually my favorite ice cream because the tip it has. Yeah. I'm obsessed with it. मेरे पानी आ रहा है. Yeah, 100%. I'm very hungry right now. I'm gonna go inside and get that Cornetto plus. Which one is your favorite? The chocolate, vanilla, or the strawberry? I love chocolate when it comes to ice cream. Like, I love double chocolate. That was like that has always been my favorite. अच्छा वो है Cornetto के end में वो जो chocolate का आता है ना. The tip, right? That's what I'm talking about. And कभी ऐसा होता है कोई आपका दोस्त या फैमिली कोई खींच ले ना कितना गुस्सा चढ़ता है? Oh my god, मेरा triggering point है वो. Just don't do that. Do you do the same? No, I don't. I say कि भाई मैं तुम लोग को खरीद के दे देती हूँ, but just don't take mine. Yeah. It's I own this tip, okay? अच्छा tell me, Hasan Rahim और Young Stunners किसके फैन हैं आप बड़ी? Oh my god. पूछा ना मुश्किल सवाल. I love Young Stunners, but I'm मैं ज़्यादा जिसको सुनती हूँ that's Hasan Rahim of course, because his songs are very catchy, so like उसके सारे गाने मेरे प्लेलिस्ट में हैं। But I love youngsters, yeah. वो उनकी अपनी बात है। Yeah, 100%. There's no. अच्छा, tell me, can we talk about your drama? या भी नहीं बता सकते। I guess yeah we can. You guys know we are gonna see her in the Ramzan play. Yeah. And I was telling her, आपको पता ही नहीं है कि what's gonna happen to you now. What? कुछ idea है? No, I have no idea. I'm just giving my 100%. Let's hope for the best. It's a craze. Ramzan plays are a craze in Pakistan. I know that. So I feel like that's a huge opportunity for me. आप पे memes बनेंगी, आप पे conversations होंगी. क्रिटिक्स होंगे तारीफ भी होगी बहुत मजा आने वाला है आपको विद देयर आल्सो लाइक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी लाइक वर्किंग विद दानिश नवाज एंड देन आयजा खान एंड देन दानिश तैमूर एंड मदिया इफ्तिखार एंड बेरोज सब्जवारी वेरी ग्रेट कास्ट वेरी ग्रेट पीपल आई एम वर्किंग विद सो इट्स अ ह्यूज 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 अपॉर्चुनिटी फॉर मी सो या आई एम एंजॉयिंग इट एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट या चलें वी आर विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन रमजान 100% प्ले वेरी सून थैंक यू